हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद चंदा पर। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां आ रही है फरवरी में, उसमें आप कैसे तैयारी करें कि ना तो आपको टेंशन हो, ना हड़बड़ी में वो चीज़ें छूटे कि यार मैं तो तैयारी नहीं कर पाया, और ना आप उसमें सारी चीज़ें करने के बाद आप फेल हों और आपका दिल टूटे। तो इस बार आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जो शायद से मैंने फॉलो की थी और उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स मिले आपके सामने हूँ। तो आप भी अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे और आप भी सेलेक्ट होंगे और दिल्ली पुलिस की वर्दी आपकी होगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंदा राव, एज ए कॉन्फिडेंस ग्रोइंग एक्सपर्ट मैं सोशल मीडिया पर काम करती हूँ। आप सबके प्यार से सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप सभी के प्यार से हमने 5K कम्प्लीट कर लिए हैं और ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए, अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। आपको डीमोटिवेशन कभी नहीं मिलेगा इस चैनल पर, आपको हमेशा नई ऊंचाइयों तक जाने की राह मिलती रहेगी। अभी हम बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो फरवरी में भर्ती आ रही है, 6000 के लगभग भर्ती, 5860 कुछ वैकेंसी है, जिसमें 2000 के लगभग लड़कियों की, 4000 के लगभग लड़कों की भर्ती है। तो सोचिए जरा कितनी बंपर भर्ती है, कितना बड़ा बैच आ रहा है। मतलब इसमें आपने अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लिया ना अपने पढ़ाई पर, अपने गोल पर, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम आप यूनिफॉर्म में दिखेंगे। पता है करना क्या है? सबसे पहले तो देखो एग्जाम की तैयारी करनी है, सिंपल है। अब एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो यहाँ सब्जेक्ट वाइज है, आप कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं। आप आर्ट साइड से हैं, आप कॉमर्स साइड से हैं, या आप साइंस साइड से हैं, आपका ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि आपकी तैयारी आप कहाँ से शुरू करेंगे। अगर आप आर्ट साइड से हैं, इसका मतलब आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान, SST जो भी हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं और इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं। तो अगर अभी आप तैयारी करेंगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा और आप जल्दी उन चीज़ों को कवर कर जाएंगे। इसके साथ ही आप इंग्लिश और कंप्यूटर को आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आर्ट साइड के होते हैं उनकी इंग्लिश नॉर्मली वीक होती है। मैं सबके लिए नहीं बोल रही, लेकिन अगर आप साइंस साइड से हैं और तब आप ये भर्ती देख रहे हैं तो आपको ये GK, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, SST इन्हें पढ़ना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड साइंस में चलता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा देखनी है कि आप मैथ में कितने हैं, रीजनिंग आपको कितना समझ आती है, GK आप किस तरीके से कवर कर सकते हैं। जो बच्चे अब तक कभी GK नहीं पढ़ी है उनको मैं ल्यूसेंट की बुक जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि ल्यूसेंट की बुक मैंने पढ़ी थी, आज वो मेरे पास रखी है, मेरी बहन की बिटिया आज भी उसको पढ़ रही है तैयारी। जो बच्चा सच में बहुत सीरियस है दिल्ली पुलिस का एग्जाम इस बार फाइट करके उसको पास करने का, उनको पहले टिप्स है, गूगल पर जाइए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2022-23, आप जब डालेंगे तो नीचे उनका पूरा सिलेबस खुल के आएगा। आप इस सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, अपनी पहले नोटबुक में उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट ले लीजिए उनका, आप प्रिंट निकलवा लीजिए और अपने कहीं भी जहां आप स्टडी करते हैं वहां पर आप वॉल पर उसको लगा दीजिए। जब आप वॉल पर उसको चिपका देंगे तो आपको एक चीज ये हो जाएगी कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया और कौन कौन सा मेरा बचा हुआ है। फर्स्ट थिंग तो आपने ये करनी है। दूसरा आपने देखना कि आप कौन सी चीज में वीक है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप मैथ बहुत अच्छे से कर लेंगे, GK पर फोकस करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आप पढ़ाई छोड़े हुए हो, आपको टाइम हो गया हो और अभी आप तैयारी करने लगे तो आपको GK और मैथ भी समझ ना आए, तो आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग मुझे कहाँ से करनी है। और कई बच्चे होते हैं ना, मैं एक दिन में ही सारा पढ़ दूंगा, मैं आज तो इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करके ही सोऊंगा। नहीं, तैयारी में ऐसा नहीं चलता, आपको टाइम डिवाइड करना होगा। मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है 4 AM से मुझे 6 AM मॉर्निंग में मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सेकेंडरी मुझे आफ्टरनून में जब भी टाइम मिलेगा मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। एंड थर्ड थिंग, नाइट में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मेरा काम फिनिश होने के बाद मैं 2-3 घंटे जब भी पढ़ूंगा तो मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। मतलब आपको सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना। आप मॉर्निंग में जो चीज़ आपको समझ नहीं आती ना, उस सब्जेक्ट को आप सबसे पहले मॉर्निंग में लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 1000 बार डे से ज़्यादा वर्क कर रहा होता है, बहुत फास्ट। वो एक तरह से आइडिया जनरेटर मशीन होती है। जो आइडिया दिन में नहीं आते, जो चीज़ें समझ नहीं आती ना, वो उस वक्त आपको समझ आएंगे। सबसे टफ सब्जेक्ट को अर्ली मॉर्निंग लेना है, आफ्टरनून में आप अपनी मर्जी से कोई भी लीजिए, एंड नाइट में जो आपको रिलैक्स देता हो, जिसको निकालने में ज़्यादा टाइम लगता हो, जिसको सोल्व करने में आपको ज़्यादा वक्त चाहिए, उसको नाइट में लेकर बैठना है, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही टाइम है। जरूरी तो नहीं ना कि आप 10 बजे सो जाएंगे, 9 बजे सो जाएंगे, ठीक है आज इसको सोल्व करके सोते हैं, चाहे 12 बजे सोना पड़े, चाहे 2 बजे सोना पड़े, राइट।
नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और उसके अलावा आप साथ में फिजिकल वर्कआउट जरूर करें, ये नहीं कि मैं बैठा हूँ सिर्फ पढ़ रहा हूँ। बिकॉज जब आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी के सारे हार्मोन्स बिल्कुल ठीक रहते हैं, आपकी बॉडी प्रॉपर काम करती है। तो फिजिकल वर्कआउट जरूर करें। जो बच्चे गाँव से हैं, जब भी पढ़ाई का आपका थोड़ा सा मन ना हो कि हाँ यार मैं बोर हो रहा हूँ, तो अपने घर के काम करें, मम्मी पापा की हेल्प करें। उस दौरान भी जो आपने पढ़ाई करी है, जिस चीज़ में आप अटक गए थे, उन चीज़ों को आपको बार 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 माइंड में लेना है। आप देखेंगे कि जब आप उस काम को करके घर तक वापस आएंगे तो उसका सलूशन आपको मिल चुका होगा। तो आपको अपने घर वालों की हेल्प भी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा कुछ भी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करिए, उससे माइंड रिफ्रेश हो जाता है। और साथ में सुबह रनिंग करने जाइए, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट कीजिए। सुबह तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हर बंदे को सुबह एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, चाहे वो रनिंग हो या फिर अपने घर में कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज। उससे आप फिजिकली फिट रहते हैं, अपने आप से एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो ये है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। और अगर आप सुबह वर्कआउट करेंगे तो आपके फिजिकल की तैयारी भी साथ में चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि आप इस बार पक्का से सेलेक्ट होके हमारे परिवार का। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। इसके अलावा इसके ऊपर और डिटेल वीडियो मैं आपको टॉपिक वाइज बनाकर भी अभी देने वाली हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ नमस्ते, जय हिंद।